अभी अभी अयोध्या से आई बहुत बड़ी खबर। राम जन्मभूमि श्रृंगार हाट के पास बड़ा बम धमाका। घटना के दौरान शख्स का हाथ उड़ा, पेट में भी बम के छर्रे लगे। मची भारी अफरा तफरी, पुलिस जांच में जुटी। अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि के श्रृंगार हाट में संदिग्ध परिस्थितियों में एक निर्माणाधीन दुकान में धमाका हुआ है। इस धमाके में दुकान में काम कर रहे मजदूर अनिल का हाथ उड़ गया। इसके साथ ही उसके पेट में भी छर्रे लगे। मजदूर को गंभीर अवस्था में श्रीराम अस्पताल से ट्रामा सेंटर दर्शन नगर को रेफर कर दिया गया है। वहीं इलाके में तेज धमाके से अफरा तफरी का माहौल है। इनके साथ ही पुलिस मौके पर मौजूद है और निर्माणाधीन दुकान के मालिक का दावा है कि पटाखे से यह विस्फोट हुआ है। इधर विस्फोट के बाद पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है। यह घटना अयोध्या श्रृंगार हार्डवेयर के बगल स्थित पेट्रोल पंप के सामने हुई। दुकान का मालिक पहले लाई चूरा भूज कर बेचता था। उस समय यह चोरी छिपे पटाखे और आतिशबाजी का सामान भी बेचता था। सड़क चौड़ीकरण के समय इसकी दुकान भी उसकी जद में आ गई थी, जिससे दुकान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं आपको बता दें कि इसके चलते दुकान मालिक ऊपरी हिस्से को रेस्टोरेंट बनाना चाहता था। उसी संबंध में निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जाता है कि उसी निर्माण कार्य के दौरान दुकान में रखे पटाखे बम में विस्फोट हुआ। पटाखा बम एक साथ छुपा कर रखे गए थे, इसलिए विस्फोट की तीव्रता अधिक थी, जिसके कारण निर्माण कार्य में जुटा मजदूर इसकी चपेट में आ गया है। इस घटना को लेकर CEO अयोध्या SP गौतम ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे सुशील कुमार मोदनवाल, जिनके मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां पर रिपेयरिंग के दौरान एक थैली में 5 पटाखे, सुतली पटाखे जो दीपावली में जलाए जाते हैं, रखे हुए मिले थे। काम कर रहे मिस्त्री अनिल कुमार निवासी द्वारा झुमकी घाट द्वारा इस पटाखे को जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें सारे पटाखे एक साथ जल गए, जिससे उनके हाथ और शरीर पर चोट आई। बम डिस्पोजल दस्ता द्वारा जांच हुई। दिवाली के पटाखे द्वारा ही ये घटना घटी है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। वहीं आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के निर्माण की कुछ तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता साफ झलक रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को 2024 तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।